हेलो एवरीवन आई एम दीपिका और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस ऑफ अ लेटर टू गॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आंसर्स को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ व्हाई डज द पोस्ट मार्टर्स एंड मनी टू लैंको व्हाई डज ही साइन द लेटर ऑफ गॉड आंसर लिखा गया है द पोस्ट मास्टर नॉट वॉन्ट टू शेक द राइटर्स फेथ इन ऑल माइटी एंड थर्स आउट ऑफ नोबल इंटेंशन नोबल इंटेंशन मतलब अच्छी वर्चुअस प्योर इंटेंशन के साथ डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी ही ऑल्सो साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड बिकॉज ही डि नॉट वॉन्ट टू रिवील हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वॉन्टेड लैंगो टू थिंक दैट लेटर दैट दैट लेटर वॉज सेंट बाय गॉड इसका मतलब है जो पोस्ट मास्टर है वो नहीं चाहता था कि लैंको का जो बिलीफ है गॉड में वो टूट जाए वो खत्म हो जाए इसीलिए अपनी उसने प्योर इंटेंशंस वर्चुअल इंटेंशंस नोबल इंटेंशंस जो उसकी अच्छी इंटेंशंस थी इसीलिए उसने क्या किया उसने पैसे कलेक्ट किए अपने फ्रेंड्स से अपने पार्ट उसमें अपना खुद की सैलरी का पार्ट दिया अपने इंप्लॉइज से बोला कुछ पार्ट ऑफ सैलरी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस चैरिटी और इसने इस पूरे के पूरे एक्शन को एक चैरिटी बोला है क्योंकि एक वो फार्मर था जो कि बहुत डिप्रेस था डिस्ट्रेस था उसका पूरा का पूरा जो कॉन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था हिल स्टोन की वजह से और उसने लेटर साइन किया गॉड ने लिखा है ऐसे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैंको को पता चले कि वो लेटर गॉड ने नहीं लिखा है बल्कि पोस्ट मास्टर ने लिखा है क्योंकि उसका पूरा आइडिया यही था कि वो चाहता नहीं था कि लैंको का जो फेथ है गॉड में वो कहीं से भी ब्रेक हो जाए कहीं से भी शेक हो तो ये आपका पहला आंसर हुआ क्वेश्चन का नेक्स्ट वाई डज लैंको थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी Who does Lenko think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? रिमेंबर दैट आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट एंड आयरॉनिक सिचुएशन इज द स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैंको को क्या लगा कि किसने पैसे लिए थे क्योंकि उसे बस 70 पैसोज मिले थे और उसने डिमांड की थी हंड्रेड पैसोज की हंड्रेड में बस 70 पैसोज मिले तो उसे लगा कि जो 30 पैसोज बचे हुए थे वो किसने ले लिए पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ले लिए पोस्ट ऑफिस के इंप्लॉइज ने ले लिए अब आयरनी क्या मतलब होता है आयरनी ऑफ सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पे आप जो सोच रहे हैं उससे एक्चुअली जो ट्रुथ है पूरा का पूरा ऑपोजिट है तो यही यहाँ पे होता है जैसे आपको पता है लैंको को लगता है कि सारे के सारे पैसे जो बचे हुए थे 30 पैसों, वो किसने ले लिए और उसके ने लेकिन ऐसा नहीं था उन्होंने बल्कि वो पैसे सारे के सारे ऐड किए थे सवरे के सारे जिन्होंने जमा किए थे ताकि वो लैंको को दे सके सो so दैट लैंको जाके अपने फील्ड को सो करे और नए कौन उग सके सो आंसर्स का समझाती हूँ मैं आपको लैंको थॉट दैट

उस उन्होंने पैसे चोरी किए हैं इसीलिए उसने अपने सेकंड लेटर में लिखा गॉड को कि आप मेल के द्वारा मत भेजना मेल के थ्रू मत भेजना जो भी आप पैसे भेजोगे नेक्स्ट टाइम बिकॉज पोस्ट ऑफिस के सारे के सारे जो इंप्लॉयज़ रहा था क्रूक हैं और डिसलॉयल है उन्होंने उसके पैसे चोरी कर लिए हैं जो कि थर्टी पैसोज थे द आयरनी हियर इज दैट और उसमें फनी पार्ट क्या है इट वॉज एक्चुअली द पोस्ट मास्टर एंड द इम्प्लॉयज कलेक्टेड द मनी इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर हु वॉज इन डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस मतलब दुखी सिचुएशन में था बहुत सैड था सोरोफिल उसका पूरा का पूरा बिहेवियर था और सिचुएशन थी तो आयरनी ये है कि लैंको को तो लग रहा था कि सारे के सारे जो उसके थर्टी पैसो जो बचे हुए थे जो उसे नहीं मिले थे वो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लॉइज ने ले लिए हैं चोरी कर लिए हैं लेकिन वो ट्रुथ नहीं था क्योंकि उन्होंने ही जो सेवेंटी पैसो जो भी सेवेंटी पैसोज लैंको के पास गए थे वो किसमें पूरे के पूरे जोड़े थे इट वॉज कलेक्टेड बाय द पोस्ट और सारे इंप्लॉयज और कुछ पोस्ट के दोस्तों ने तो ये सारी आयरॉन सिचुएशन है कि लैंको का फेथ इतना ज्यादा गॉड में था उसे लगा कि गॉड तो उसे चीट ही नहीं कर सकते हैं और गॉड गलती भी नहीं कर सकते हैं कि वो हंड्रेड पैसो उसकी जगह सेवेंटी पैसो भेजते हैं तो इसीलिए उसे लगा कि कोई इस पूरे के पूरे इस चेन में उसने मेल भेजा मेल बॉक्स में डाला उसने उसके पास गॉड के पास गया गॉड के पास से वापस वो मेल बॉक्स में आया और उस बीच में बस एक ही इंसान बीच में था जो कि पोस्ट ऑफिस और उसके इम्प्लॉयज थे तो उसे लगा किसी और के पास तो वो गया नहीं तो शायद थर्टी पैसो किसने लिए पोस्ट ऑफिस और उसके जितने भी इम्प्लॉय थे उन्होंने चोरी कर लिए दे नॉट दे वॉन्टेड टू की बट वर दर्स एंड गेटिंग ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग दिसिंग अमाउंट उन्होंने तो जो भी किया था वो सब कुछ एक अच्छे इंटेंशन के साथ किया था उन्हें लगा था वो किसी एक फार्मर की बहुत मदद कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में है लेकिन क्या हुआ एंड में उनके अच्छा जो उन्होंने काम किया उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो भी जो भी ब्लेम आया वो लैंको ने किस पे डाला सारे के सारे पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देर आर टू काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन्स दैम सेल्वस हाउ आर दिस कंफ्लिक्स इलस्ट्रेटेड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आंसर पढ़ने से पहले तो इसमें पूरा ह्यूमंस एंड नेचर के बीच में जो कंफ्लिक्ट है बहुत क्लियर है जो हमारे शुरुआत के चैप्टर में दिखाया गया है किस तरीके से लैंगो होप कर रहा था कि बारिश आए अगर ज्यादा बारिश ना हो तो कम से कम थोड़ी बारिश होनी चाहिए विच इज रिक्वायर्ड फॉर हिस कॉर्न फीड ताकि वो अच्छा एक गुड हार्वेस्ट दे सके लेकिन ऐसा नहीं होता बारिश होती है और उसके साथ हिल स्टोन भी आने शुरू हो जाते हैं जो कि आपके ओले होते हैं और उससे क्या होता है उसकी पूरी की पूरी फसल जो होती है कॉर्न की वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है सारे मकई के पेड़ उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुछ भी नहीं बचता है तो ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक ह्यूमन एंस्पायर करता है कि उसे नेचर से कुछ मिले लेकिन नेचर जब अपने रूप में आता है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान ने मांगा है बस वहीं तक उसे मिल जाए हो सकता है वो कुछ ज्यादा हो और जो ज्यादा हो वो शायद इंसान के लिए अच्छा ना हो जैसे यहाँ पे लैंको को रेन चाहिए थी लेकिन यहाँ पे रेन के साथ बहुत तेज रेन के साथ हिलस्टोन्स होने लग गए और पूरी की पूरी उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई और ये दिखाया गया है कि नेचर और मैन का किस तरीके से डिसएग्रीमेंट है किस तरीके से वो एक साथ नहीं मतलब एग्रीमेंट कर पा रहे हैं कि जो इंसान को चाहिए वो नेचर दे पा रहा है तो मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ पहले पढ़ूंगी अस्ट स्टोरी आटर टू गॉड डिपेक्ट टू टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है हैं हमारे यहाँ पे वन बिटवीन मैन एंड नेचर एंड द अदर अमंग मैन देमसेव पहला तो मैन और नेचर के बीच में है मैन वर्सेज मैन और सॉरी दूसरा पहला मैन वर्सेज नेचर और दूसरा है मैन वर्सेज मैन इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी स्टोरी की शुरुआत में फार्मर होप्ड फॉर अ रेन shower फॉर द बेनिफिट ऑफ his corn फील्ड शुरुआत में लैंको ने होप किया था कि उसके भले उसके कॉर्न फील्ड के भले के लिए अच्छे के लिए वहां पे बारिश होनी चाहिए ऑन एक्चुअली receiving रेन वास्तव में रेन पड़ने से ही बिकेम overjoyed एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द profit दैट वुड कम

जो वो रेन थी वो किसमें टर्न हो गई बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज हवा में और साथ में क्या गिरने पड़े थे ओले दिस एग्रीमेंट बिटवीन मैन एंड नेचर तो ये आपको दिखाता है किस तरीके से मैन वर्सेस नेचर हो रहा है यहाँ पे कि दोनों के दोनों एक ही पेज पर नहीं है अगर मैन ने कुछ विश किया है तो नेचर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है या फिर नेचर ने इतना ज्यादा दे दिया है कि मैन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है नेक्स्ट आपका है द सेकेंड कन्फ्लिक कन्फ्लिक्ट इमर्स्ड वेन लेंको स्टार started it should be started s t a r t e d started so aap correct kar लीजिएगा ye spelling please started doubting the honesty of the post office employees who who actually helped him with the money anonymously anonymously matlab apni jo unki identity thi उसको क्या किया उन्होंने hide किया उसको छिपाया उसको reveal नहीं किया तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो दूसरा conflict है वो उमर्ज होता है वो दिखता है लैंको जो लैंको था और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनके बीच में क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने एक बहुत ही अच्छी प्योर इंटेंशंस के साथ लैंको की हेल्प करने की कोशिश की लेकिन इन रिटर्न उनको क्या मिला उनको ब्लेम मिला क्योंकि लैंको ने यह सोचा कि जितने भी पैसे उसके थर्टी पैसोज कम थे उस हंड्रेड पैसोज में तो उसको लगा कि वो थर्टी पैसोज किसने चुराए हैं पोस्ट ऑफिस के इंप्लाइज ने चुराए हैं लेकिन उनकी इंटेंशन तो इतनी प्योर थी कि उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की कि वो बता सके लैंको जो, जो उसको मिले हैं वो भी उन पोस्ट ऑफिस वालों ने ही दिए हैं बल्कि और उनका उनका पूरा इंटेंशन था कि लैंको का फेथ बिल्कुल भी जो भगवान में इतना स्ट्रांग है वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने अनोनोमसली लिखा इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा दिस इज द कंफ्लिक्ट अमंग मैनसेल्व तो ये दिखाता है किस तरीके से मैन वर्सेज मैन हो रहा है कि मैन एक मैन गॉड में विश्वास करने के लिए तैयार है जिसकी एग्जिस्टेंस आपको पता ही नहीं है जिसको आपने देखा ही नहीं है जिसको आप बस मंदिर में चर्च में या फिर कहीं ऐसी जगहों में देखते हो है ना लेकिन जो मैन आपके साथ आपके सामने आपको दिखता है आप उसी पे ही डाउट कर रहे हो सो so, ये कितना ज्यादा कितना मतलब कितना कॉन्ट्ररी है कि जिसको आपने देखा नहीं आप उसका आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव है लेकिन जिसको आप देखते हो मिलते हो उसमें आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं है क्योंकि अगर वो थर्टी पैसों नहीं मिले लैंकों को तो सबसे पहला डाउट उसका गया पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज के ऊपर सो so ये बोलता है दिस इज अंस्पेक्ट अमंग मैन डेमसेल्स वेर इन वी आर रेडी टू ट्रस्ट द आइडिया ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस बट वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अदर कि हम गॉड की एग्जिस्टेंस की गॉड है हम वो मानने के लिए तैयार हैं लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो हमारा फेलो ह्यूमन है हम उस पर विश्वास कर सके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब लैंकोस क्वालिटी इन लाइट ऑफ हिस फेथ इन गॉड कि मतलब लैंको की क्वालिटीज बताइए जिस तरीके से उसका फेथ है गॉड में उस बार उससे रिलेटेड डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लैंको क्या आप और आप भी उतना ही विश्वास करते हैं गॉड में जितना लैंको को था वॉज लैंको इज रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज राइट क्या लैंको का जो रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस इंप्लॉयिज के लिए वो सही था यहाँ पर सीबीएसई टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है तो बेसिकली एक क्वेश्चन के अंदर आपसे तीन सवाल पूछे गए हैं तो बहुत ज्यादा चांस मिले कि पांच मार्क्स का क्वेश्चन है है ना सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा दिस कैन कम इन योर फाइव मार्क्स एंड इट वॉज टेस्टेड इन सी बस सी टू जीरो वन फाइव तो इसका आंसर शुरुआत करते हैं लेंको वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर ये तो हमें पता है कि लेंको पुअर था क्योंकि जो भी उसका सोर्स था इनकम का वो क्या था उसका कॉन फील्ड था एक बार उसका उसे फैमिली और अपने आप को सर्वाइव करने वाला है थ्रू आउट द इंटायर ईयर और हार्ड वर्किंग था क्योंकि हमें चैप्टर में बताया गया है कि वो अपने फील्ड पे एक ऑक्स की तरह काम करता था इसका मतलब एक ऑक्स बहुत हार्ड वर्किंग एक एनिमल है जो फील्ड पे काम करता है इसी तरीके से लेंको भी पूरा एफर्ट अपना डाल देता था बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता था अपने फार्म के ऊपर हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज द कॉन्फीड विच कॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हिलस्ट्रोम जो आपके ओले पड़े थे बारिश हुई थी बहुत ही हवा आई थी उसकी वजह से क्या हुआ था उसका जो पूरी मकई की फसल थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरा उसका कॉन्फिल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था

अब हमसे पूछा गया है डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लैंको ये तो आपको खुद ही आंसर लिखना पड़ेगा कि आपका फेथ गॉड में है कि नहीं और अगर है तो किस लिए आप थोड़े से एविडेंस दे सकते हैं आंसर्स दे सकते हैं पॉइंट्स दे सकते हैं वॉज लैंकोज रिएक्शन टू वर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट मैं इसका आंसर दूंगी यहां पे। नाउ अ डेज फेथ इन गॉड लाइक लैंको इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड अनसिन आजकल हम बिल्कुल नहीं देखते हैं कि लैंको जिस तरीके से एकदम फर्म बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड फेथ गॉड के अंदर है ऐसा है आजकल क्योंकि लैंको के एक बार बार नहीं लगा कि शायद गॉड ने वो लेटर नहीं भेजा है उसे लगा कि मैंने गॉड से रिक्वेस्ट किया और उन्हें लेटर भेजा है तो रिप्लाई तो आना ही आना है तो मतलब उसे बिल्कुल सरप्राइजिंग ही नहीं लगा था कि वो जो लेटर आया है वो गॉड की तरफ से नहीं आया है तो ये दिखाता है कि उसका कितना ब्लाइंड ट्रस्ट या फेथ था गॉड में पीपल आर वेरी मच अवेयर दट नो बडी इज विलिंग टू हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट आजकल बहुत ही मतलब ही है दुनिया हमें भी पता है कि अगर आप एक हाथ ले रहे हैं तो आपको एक हाथ चाहिए दोबारा रिटर्न में कुछ वी नेवर डू थिंग्स आउट ऑफ सेल्फ लव या सेल्फ मतलब सेल्फलेसली हम कुछ भी नहीं करते हैं किसी के लिए हम अपना सबसे पहले मोटिव देखते हैं या फिर अपने लिए कुछ फायदा देखते हैं अगर हम किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें लैंकोज रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज वॉज नॉट राइट और जस्टिफाइड जो लैंको का रिएक्शन था वो बिल्कुल भी नहीं था राइट right? क्योंकि एक भी बार उसने पूछने की या बात करने की कोशिश नहीं की उसने क्या किया लेटर देखा और उसने दिखा कि थर्टी पैसोज उसमें कम है तो उसने सबसे पहले डाउट किसने किया पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज पे बिना कुछ जाने बिना कुछ बात किए बिना कुछ पूछे तो थोड़ा तो उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि अगर ऐसा हुआ है थर्टी पैसोज नहीं है तो क्या हो सकता है रीजन लेकिन उसने क्या किया डायरेक्टली उसने इंप्लॉइज के ऊपर ब्लेम थोप दिया कि नहीं अगर चोरी हुए हैं तो इन्होंने ही किए होंगे इट वॉज इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इनोसेंस तो हो सकता है कि जो उसका वो इतना इनोसेंट इंसान था कि वो एक, एक उसका एक अकेला घर है एक पूरी वैली में ज्यादा लोगों से इंट्रैक्शन नहीं है उसका फर्म बिलीफ है गॉड में तो उसे लगे ही नहीं कि उसमें कुछ गलत है जो उसने डाउट किया तो इट्स ऑल प्योर इनोसेंस की मतलब उसके अंदर वो चालाक पनते या फिर क्लेवरनेस या कनिंगनेस थी ही नहीं कि वो कुछ और उससे आगे सोच पाता उसको बस लगा कि पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज की ही गलती है

Next question is: Humanity still exists. This is what we get to know after reading a letter to God, which is our chapter, hai, in which farm faith in God of a poor farmer and helpfulness of the post office employees are aptly depicted. Thought, depicted thought. राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यूज इन इट इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स गिव द पैराग्राफ अ अटेबल टाइटल तो आपको बताया गया है कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट की अभी भी ह्यूमैनिटी है मतलब इंसानियत है बेसिकली जो कि हमें देखा गया है कैरेक्टर ऑफ पोस्टमास्टर पोस्टमैन और सारे के सारे पोस्ट ऑफिस इंप्लॉय और पोस्ट के फ्रेंड्स के थ्रू जिसमें बताया गया कि किस तरीके से उसने एक फार्मर जो इतना डिस्ट्रेस था इतना दुखी था इतने बुरे हालातों में था उन्होंने बिना किसी चीज के बारे में सोचकर बस उस फार्मर की हेल्प कर, करने की कोशिश की और उस हेल्प करने में भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करें या फिर फार्मर को बताएं कि गॉड तो आपकी हेल्प नहीं कर सकता लेकिन हम जरूर कर सकते हैं तो ये दिखाता है किस तरीके से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा एक फार्मर की हेल्प करने की कोशिश की सो so, आपको बोला आपको एक हेडिंग देनी है तो यहाँ पे मैंने ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट लिख रखा है आप कुछ और भी दे सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी या फिर गुड पीपल और गुड इंटेंशन कुछ भी द चैप्टर लेटर टू गॉड रेनफोर्सिस रेनफोर्सिस मतलब दिखाता है जताता है एम्फरसाइज करता है आप बिलीव इन ह्यूमैनिटी की ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है ये हमारा रेनफोर्स करता है कि हाँ ह्यूमैनिटी है अच्छे लोग हैं दैट गुड पीपल डू एग्जिस्ट हु आर विलिंगली आर आर विलिंग टू दिस शुड बी आर विलिंग ये तो सही था आर विलिंग टू हेल्प अदर्स आउट ऑफ प्योर एंड क्लीन इंटेंशन की ऐसे लोग हैं अभी भी जो हेल्प करते हैं लोगों को आउट ऑफ प्योर एंड क्लीन इंटेंशन मतलब अच्छा हो जाए या फिर उनका कुछ भला हो जाए उनको कुछ रिटर्न में मिल जाए नहीं पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी इंप्लॉयज थे उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि उन्हें रिटर्न में कुछ मिले इट वॉज डन आउट ऑफ प्योर लव केयर यू नो इंटेंशन बहुत अच्छी थी उनकी द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंड को विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव उनका कोई भी सेल्फिश मोटिव नहीं था वॉज सो प्योर इन इंटेंशन दैट ही नेवर ट्राई टू रिवील हिज आइडेंटिटी जो पोस्ट मास्टर था उसका इंटेंशन इतना ज्यादा अच्छा था उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे नेक्स्ट द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज लेन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस्ट टू बी काइंड मतलब वो दिखाता है कि हम सारे ह्यूम कितना जरूरी है हम सबको काइंड होना दिखाता है कि वो पूरा एग्जाम्पल एक सेट कर रहे हैं कि हम भी उनकी तरह अच्छे इंसान हो सकते हैं काइंड हो सकते हैं सेल्फलेस हो सकते हैं दो दे ऑल लाव डेट इज लेटर दे वर रियली मूव बाई द ग्रिप ऑफ फेथ लैंको हैड इन गॉड शुरुआत में हाँ उन्हें हंसी आई उसके लेटर को देखकर कि वो गॉड को लिखा गया है लेकिन उनको ये भी बहुत ज्यादा मूविंग लगा ये बहुत उनका जो एक लैंगो का फेथ था इतना ज्यादा गॉड में उन्हें बहुत ही ज्यादा ये अच्छा लगा और इन्हें लगा कि नहीं ये फेथ तो हम नहीं टूटने देंगे द वे दे ऑल डिसाइडेड टू हेल्प द स्ट्रेंजर इन हिज कोई कनेक्शन नहीं था लैंको से बस उन्हें इतना पता था कि एक फार्मर है जो बहुत हार्ड टाइम से जा रहा है क्योंकि उसके पास जितनी फसल थी उसकी जो उसको खाने के लिए दे सकती थी जो उसके प्रॉफिट कमा के उसको पैसा दे सकती थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय दिस, हो गई है तो ये दिखाते कि किस तरीके से उन्होंने बस एक स्ट्रेंजर की हेल्प करने की कोशिश की उसके बुरे वक्त में सो so, ये मोटिवेट करता है हमको कि हम अपने एक्स में नोबल रहें एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करें हमेशा काइंड रहें सेल्फलेस रहें कंपैशन दिखाएं लोगों की तरफ ठीक है नेक्स्ट स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड गिव आंसर फॉर योर रीज गिव रीजन फॉर योर आंसर अब कैरेक्टर स्कैच क्या होता है आपको ये नहीं लिखना है कि पोस्ट मास्टर ने ये किया वो किया आपको उसकी क्वालिटीज लिखनी है जैसे कि अगर मैं थोड़ी सी क्वालिटीज अभी बोलना चाहूँ वो काइंड था सेंसेबल था ही वॉज लिटिल फैट अगर उसके फिजिकल फिजिकलस्ट्रिक्स के बारे में बताया जाए कि वो फ्रेंड फैट था वो फ्रेंडली भी था नेचर से जिस तरीके से वो हमें बताया गया है चैप्टर में ही अ गुड ह्यूमन और वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं था ही वॉज अ वेरी सेल्फलेस पर्सन जिसने हेल्प की अपनी प्योर इंटेंशन के थ्रू एक स्ट्रेंचर uh, की तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स स्केच में आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं एक इंसान के कैरेक्टर को बताना होता है तो उसके कैरेक्टर में क्या है फिजिकली देखा जाए तो वो फैट था और अदरवाइज देखा जाए तो वो सेंसिबल था फ्रेंडली था एम्पथेटिक मतलब कि आप किसी की किसी की प्रॉब्लम को समझ सके अपने आप को उस कंडीशन में रख के आप उस प्रॉब्लम को समझ सके काइंड था कंपैशनेट था क्योंकि उसने जिस तरीके से हेल्प की फार्मर की हमारे लैंको की उससे पता चलता है ही

बट सून हीम सीरियस लेकिन कुछ देर बाद ही वो सीरियस हो गया ही फेथ दैट लैंको हैड इन गॉड जिस तरीके से इतना स्ट्रॉग फेथ लैंको का था वो बहुत सरप्राइज हो गया था उस चीज को देख के अ गुड ह्यूमन बींग हु पार्ट ऑफ हि सैलरी सो दैट लैंकोज फेथ कुन इंटैक्ट इन गॉड उसने अपना पार्ट ऑफ सैलरी डोनेट किया उस चैरिटी में जिसको बोला जा रहा है लैंको की हेल्प करने के लिए उसमें पार्ट ऑफ अपनी सैलरी उसने इसलिए दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका फेथ नहीं टूटना चाहिए लैंको का गॉड में ही वज सेल्फलेस

ठीक है आई होप दैट वॉज क्लियर और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंको जो हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट है मेन जो कैरेक्टर है उस पूरे चैप्टर में उसका कैरेक्टर स्केच तो मैंने अभी आपको पता है कैरेक्टर स्केच क्या होता है जहां पे आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पे उसकी आप क्वालिटीज को इलेबरेट करें उसकी क्वालिटीज पे जैसे कि लैंको वॉज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर लैंगो एक बहुत साधारण इंसान था और बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था वो अपने फार्म पर ही वर्क लाइक एन ऑक्स इन इन हिज फील्ड में बताया गया है चैप्टर में कि वो किस तरीके से काम करता था एक ऑक्स की तरह जिस तरीके से एक ऑक्स बहुत हार्ड वर्किंगली काम करता है फील्ड पे लैंकोज इंटायर क्रॉप वॉज वेडली डिस्ट्रॉइड इन हेल स्टोम एंड ही बिकेम वेरी सैड एज ही वॉज वरीड अबाउट हिस्स फैमिली सर्वाइवल उसे लगा कि जब उसका पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है तो किस तरीके से उसकी फैमिली सर्वाइव करने वाली है ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिस इंसान में कहीं पे होप होती है उसे लगता है कि बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा हो सकता है शायद ऑल दोन सोर्स ऑफ लिविंग उसका सब कुछ जा चुका था कॉन फील जो उसका सब कुछ था वो जा चुका था डिस्ट्रॉय हो गया था तब भी लैंको को लग रहा था कि नहीं लूज होप तो लूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसकी पूरी होप किसमें थी गॉड में ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड ही वॉज कॉन्फिडेंट एट गॉड विल हेल्प हम इन डिस्ट्रेस मतलब उसके बुरे टाइम में उसे पूरी श्योरिटी थी उसका पूरा कॉन्फिडेंट था कॉन्फिडेंस था उसको कि गॉड तो उसको जरूर ही हेल्प करेंगे लैंको वॉज एन इनोसेंट थी थीस्ट मतलब जिस इंसान को भगवान में या फिर गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में विश्वास होता है उसको बोलते हैं एक थीस्ट हुट नो दैट देर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड

बस वो किसकी तरफ गया वो गॉड की तरफ गया और गॉड से ही उसने अपनी हेल्प मांगी इतनी बुरी सिचुएशन में सो दिस वॉज अबाउट इट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इनको जरूर पढ़िएगा एग्जाम से पहले एंड अदरवाइज ऑल्सो आप चैप्टर अगर आपको क्लियर है आपको पता चलेगा कि पॉइंट हमने इन क्वेश्चन आंसर्स में कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से सो थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई कम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल थैंक यू मच लव